सावेर के चुनावी संग्राम में अब नेताओं की बदजुबानी का आलम यह है कि पूर्व मंत्री खुलेआम पुलिस अफसरों को धमकाने लगे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने खुलेआम एएसपी स्तर के अधिकारी को धमकी दे डाली और जब जीतू पटवारी एएसपी राजेश रघुवंशी को धमका रहे थे तो वहां पर खुद डीआईजी भी मौजूद थे। दरअसल सावेर के एक सरपंच के बेटे पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस नेता डीआईजी ऑफिस में धरना दे रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी नेताओं के कहने पर गलत मुकदमे दर्ज कर रही है। इस दौरान जीतू पटवारी ने एसपी को धमकी दे दी। इतना ही नहीं, जीतू ने दावा किया कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता को भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष हो। तुलसी सिलावट मुख्यमंत्री लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, कड़ी घोषणाएं की जो कर नहीं सकते इस क्षेत्र में। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया ही इशारे देके जा रहा है इस तरीके से कि वो खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसके कलेक्टर को हम कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हम शिकायत करेंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कुछ लोगों को तुलसीराम सिलावट में भेजा उनके घर कि देख लो मैं जब बचा देता हूँ। एक कार्यकर्ता 35 साल से उनको जिता रहा था, उसको इस तरीके से दबाना चाहते हैं, ये अपने आप में अन्याय है और मैं मानता हूँ उसके खिलाफ लोकतंत्र में हमें तो खड़ा होना ही चाहिए, मीडिया को भी खड़े होना। कुछ रिकॉर्डिंग है वो जो रिकॉर्डिंग है वो हम सार्वजनिक करेंगे, सही समय तो करेंगे। हर चीज का एक समय है। मेरा आप दिए बहन जी, हमारा काम है, हमारा मोटिव था प्रशासन निष्पक्ष काम करे, बायस नहीं हो, तो हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने अलग से उनसे 5-5 बार मिले, इसलिए मीडिया के सामने बात की, नहीं तो हमें भी पता है कि